और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची है। आपको बता दें, ये जो खबर सामने आई है ये सिक्किम के सिंगतम इलाके से सामने आई है, जहां देखिए जल सुनामी। आप साफ तौर पर यहां सिंगतम इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों के गुमशुदा होने की भी खबर सामने आ रही है। यहाँ तक कि सेना के 23 जवान भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। इसके साथ ही भारी बारिश से ना सिर्फ सिंगतम बल्कि दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये जल उफान आप देख रहे हैं, ये सिक्किम में बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां ये भी आशंका जताई जा रही है कि कई घर बह गए हैं और कहीं जो घर या दुकान है वहाँ पर किस तरह से वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पानी हर जगह दिख रहा है, डैम ओवरफ्लो हो चुका है, नदी में आप सैलाब देख सकते हैं, सड़कें जो हैं वहाँ पर कटान अब शुरू हो गया है और भारी बारिश भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। तो आप देखिए बादल फटने के बाद की तबाही सिक्किम में। और मेरे सहयोगी मनोज पांडे जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या फिलहाल यहाँ पर अपडेट मिल रहा है, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद जो तबाही है उसकी तस्वीरें पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। जी देखिए, करीबन 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और जो तीस्ता नदी का जल छोड़े जाने के वजह से जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बादल फटने के वजह से कह सकते हैं कि पूरे इलाके में एक तरह से तबाही जैसा माहौल बना हुआ है। और इसमें 23 जो सेना के जवान हैं उनकी लापता है, उनकी भी खोज जारी है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पे लगातार राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। उन सेना के लोगों को भी खोजा जा रहा है जो निचले इलाके में, आपको बता दें कि जहाँ पे जल जमा हो चुका है, जहाँ पे लोग पहले से फंसे थे, अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहाड़ों के इलाकों में लेके जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्योंकि तीस्ता नदी का जिस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, तीस्ता नदी के जो पानी है वो कई बहाव से जो सड़कें हैं जो सिक्किम से कह सकते हैं जो सिलीगुड़ी को जोड़ती है रास्ता, वो कर चुका है और इसके वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री जो सिक्किम के हैं उन्होंने यहाँ दौरा किया है, प्रशासन के लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है कि बचाव जो कार्य है राहत कार्य में किसी भी तरह के कोताही बरती नहीं जाएगी। और वहाँ देर रात से देखे कि जो पुलिस के जवान है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है वहाँ पहुंच रही है और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम बाकायदा चल रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरी सिक्किम इस समय यहाँ पे तबाही का माहौल देखा जा रहा है, लोगों में डर बना हुआ है और किस तरह से जो हाँ कह सकते हैं कि जो कटाव हो रहा है इसमें करीबन दो दर्जन से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो भी बह चुकी है, कई घरे बह चुके हैं, लोगों के सामान बह गए हैं, अब यहां से सुरक्षित निकालने की पूरी तरह से व्यवस्था किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सिक्किम में कुल मिला के एक तरह से माहौल अभी फिलहाल कह सकते हैं कि जो बहाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार प्रशासन इस पे काम कर रहा है और किस तरह से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए इसकी काम हो रही है। जी ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।